नमस्कार दोस्तों, रश्मि रथी के पांचवें सर्ग के प्रथम भाग में पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कुंती कुरुक्षेत्र की भूमि में कल से शुरू होने वाले उस भयानक युद्ध की विनाश लीला को सोच सोच कर डरी जा रही है कि अनजाने में ही अब कल से भाई भाई एक दूसरे के रक्त की धारा बहाने वाले हैं। बहुत सोच विचार करने के बाद इस महापाप से सबको बचाने के लिए बहुत हिम्मत जुटाकर वह कर्ण के पास आती है। कर्ण को अपना अत्यंत गोपनीय रहस्य, उसके जन्म की गाथा बताकर उसे दुर्योधन का साथ छोड़कर सहोदर भ्राताओं के साथ हो लेने को कहती है। बहुत प्रकार से समझाती है, परंतु कर्ण ने भी बड़े ही दुख में भरकर माँ को अपने मन का सारा दर्द सुना दिया और साथ ही उसने कहा कि दुर्योधन से उसके कठिन समय पर मैं छल नहीं कर पाऊंगा माता, मैं तो अब किसी और की पूजा पर चढ़ा दिया गया वो फूल हूँ जिसे अब तुम मत उठाओ। तो आज दूसरे भाग में देखेंगे कि बिछड़े हुए पुत्र और माता का आगे का क्या वार्तालाप है। जानेंगे क्या कर्ण जैसा महादानी आज अपनी माता को खाली हाथ लौटाएगा या अपना प्रण रख पाएगा दानवीर होने का। और कुंती जो अपने पुत्र को गले लगाने को व्याकुल है, क्या आज उसकी इच्छा पूरी होगी। तो लास्ट टाइम कर्ण कहता है, कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होना उससे कभी उऋण है, छल किया अगर तो क्या जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। हो चुका धर्म के ऊपर न्योछावर हूँ, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूँ, अर्पित प्रसून के लिए नयो ललचाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। राधे मौन हो रहा व्यथा निज कह के, आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के, कुंती के मुख में वृथा ही जी भेलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। अंबर पर मोती गुथे चिकुर फैलाकर, अंजन उंडेल सारे जग को नहलाकर, साड़ी में टाके हुए अनंत सितारे थी, घूम रही थी तिमिरांचल निशा पसारे। कहने का मतलब कि रात्रि हो चुकी थी। थी दिशा स्तब्ध नीरव, समस्त अगजग था, कुंजों में अब बोलता न कोई खग था, झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी, जल में जब तब मछली छप छप करती थी। इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे थे खड़े, शिलावत मूक भाग्य के मारे, था सिसक रहा राधेय सोच यह मन में, क्यों उबल पड़ा असमय विष कुटिल वचन में। अर्थात कर्ण पछता रहा था अपनी माता से इस प्रकार के कड़वे वचन कहने के बाद। क्या कहे और क्या नहीं, सोच नहीं पाती थी, कुंती भी कुत्सा से दीन मरी जाती थी। आखिर समेट निज मन को कहा प्रथा ने, आई न वेदी पर का मैं फूल उठाने। पर के प्रसून को नहीं, नहीं पर धन को, थी खोज रही मैं तो अपने ही तन को, पर समझ गई वह मुझको नहीं मिलेगा, बिछुड़ी डाली पर कुसुम न आन खिलेगा। तब जाती हूँ क्या और सकूंगी कर मैं, दूंगी क्या आगे भला और उत्तर मैं, जो किया दोष जीवन भर का दारुण रहकर, मेटूंगी क्षण में उसे बात क्या कहकर। बेटा सचमुच ही बड़ी पापिनी हूँ मैं, मानवी रूप में विकटनी हूँ मैं, मुझसी प्रदंड अघमयी कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। तब भी मैंने ताड़ना सुनी जो तुझसे, मेरा मन पाता वही रहा है मुझसे, यश ओढ़ जगत को तो छलती आई हूँ, पर सदा हृदय तल में जलती आई हूँ। अब भी मन पर है खींची अग्नि की रेखा, त्यागते समय मैंने जब तुमको देखा, पेटी का बीच में डाल रही थी तुझको,
टुक टुक तू कैसे ताक रहा था मुझको, वह टुकुर टुकुर कातर अवलोकन तेरा और शिला भूत सर्पिणी सदृश मन मेरा, ये दोनों ही सालते रहे हैं मुझको, रे कर्ण सुनाऊं व्यथा कहाँ तक तुझको। लज्जित होकर तू वृथा वत्स रोता है, निर्घोष सत्य का कब कोमल होता है। धिक्कार नहीं तो मैं और क्या सुनूंगी, कांटे बोए थे तो कैसे कुसुम चुनूंगी। धिक्कार ग्लानी कुत्सा पछतावे को ही लेकर तो बीता है जीवन निर्मोही। थे अमित बार अरमान हृदय में जागे, धर दूं उतार अंतर में तेरे आगे। पर कदम उठा पाई नगलानी में भरकर, सामने न हो पाई कुत्सा से डरकर। लेकिन जब कुरुकुल पर विनाश छाया है, आखिरी घड़ी ले प्रलय निकट आया है, तब किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी आई मैं तेरे पास भाग्य की मारी। सोचा कि आज भी अगर चूक जाऊंगी, भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। इसीलिए शक्तियां मन की सभी संजोकर, सब कुछ सहने के लिए समुद्यत होकर आई थी मैं गोपन रहस्य बतलाने, सोदर वध के पातक से तुझे बचाने। सो बता दिया बेटा किस माँ का तू है, तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है। अब तू स्वतंत्र है, जो चाहे वह कर तू, जा भूल द्वेष अथवा अनुजों से लड़ तू। कड़ गई कलक जो कसक रही थी मन में, हाँ एक ललक रह गई छिन्न जीवन में। थे मिले लाल छह छह पर वाम विधाता, रह गई सदा पाच ही सुतों की माता। अभिलाष लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है। थी विदित वत्स तेरी यह कीर्ति निराली, लौटता न कोई कभी द्वार से खाली। पर मैं अभागिनी ही अंचल फैलाकर, जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर। फिर भी तू जीता रहे न अपयश जाने, संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब आ क्षण भर मैं तुझे अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। ममता जमकर हो गई शिला जो मन में, जो शीर फूट कर सूख गया था तन में, वह लहर रहा है फिर उर्मे आज उमड़ कर, वह रहा हृदय के कूल किनारे भर कर। कुरुकुल की रानी नहीं कुमारी नारी, वह दीनहीन असहाय ग्लानी की मारी। सिर उठा आज प्राणों में झांक रही है, तुझ पर ममता के चुंबन आंक रही है। इस आत्मदाह पीड़िता विषन्न कली को, मुझ में भुज खोले हुए दग्ध रमणी को, छाती से सुत को लगा तनी रोने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे। माँ ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, हो उठी कंटकित पुलक कर्ण की काया। संजीवनी सी छू गई चीज कुछ तन में, बह चला स्निग्ध प्रस्रवण कहीं से मन में। पहली वर्षा में मही भीगती जैसे, भींगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे। फिर कंठ छोड़ बोला चरणों में आकर, मैं धन्य हुआ बिछड़ी गोद को पाकर। पर हाय स्वत्व मेरा न समय पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर से आई। अतएव न्यास अंचल का ले न सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी न दे सकूंगा। कि पूर्ण सभी की सभी तरह अभिलाषा, जाने दूं कैसे लेकर तुमको निराशा। लेकिन पढ़ता हूँ पाव जननी हठ त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। केवल निमित्त संगर का दुर्योधन है, सच पूछो तो यह कर्ण पार्थ कारण है। छीनो सुयोग मत मुझे अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर। विष तरह तरह का हंस कर पीता आया, बस एक ध्येय के हित में जीता आया। कर विजित पार्थ को कभी कीर्ति पाऊंगा, अप्रतिम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा।
आ गई घड़ी वह प्रण पूरा करने की, खुल कर रण में मारने और मरने की। इस समय नहीं मुझ में शैथिल्य भरो तुम, जीवन व्रत से मत मुझको विमुख करो तुम। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा। मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पलट जाएगा। तुम दान दान रट रही, किंतु क्यों माता, पुत्र ही सदा रहेगा जगत में दाता। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतैव मांग लेता हूँ, बदले में तुझको चार कर्ण देता हूँ। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय सोच यह मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में। कुंती बोली, रे हठी दिया क्या तूने, निज को लेकर ले नहीं लिया क्या तूने। बनने आई थी छह पुत्रों की माता, रह गया वाम का पर वाम ही विधाता। पाकर न एक को और एक को खोकर, मैं चली चार पुत्रों की माता होकर। कह उठा कर्ण, छह और चार को भूलो, माता यह निश्चय मान मोद में फूलो। जीते जो भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी माँ अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कट मर कर जो भी हानि सहेंगे, पांच के पांच ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति न जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रनी पांच पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, और मरा वह दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है, निंदित है, निर्धन है, यह कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। सच है कि पांडवों को न राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। हाँ, अगर पांडवों की न चली इस रण में, वे हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में। राधे न कुरुपति का सहजेता होगा, वह पुनः निस्व दलितों का नेता होगा। है अभी उदय का लग्न सुंदर दृश्य है, सब ओर पांडु पुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनुकूल ज्योति की घड़ी न मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। यशमान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को। परिभव प्रदाह भ्रम भय हरने आऊंगा, दुख में अनुजों को भुज भरने आऊंगा। भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपनाकर, बांटने दुख आऊंगा हृदय लगाकर। तम में नवीन आभा भरने जाऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। पर नहीं कृष्ण के कर की छाह जहां है, रक्षिका स्वयं अच्युत की बाह जहां है। उस भाग्यवान का भाग्य छार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। मैं देख रहा हूं कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को। शोणित से सारी मही क्लिन्न लथ पथ है, जा रहा किंतु निर्बाध पार्थ का रथ है। है काट रहे हरि आप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित बह रही उलट कर धारा। शत पाश व्यर्थ रिपु का दल फैलाता है, वह जाल तोड़कर हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूँ जननी की कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा। लेकिन तब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह और दुगुना बढ़ जाता है। बज चुका काल का पटह भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उल्टी लटे खींच खेलेंगे। कुछ भी न बचेगा शेष अंत में जाकर, विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर। कौरव विहीन कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे,
पांडव क्या उससे भिन्न राह पाएंगे? है एक पंथ कोई जीते या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे, एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। निस्सार द्रोह की क्रिया व्यर्थ यह रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है, फिर भी जाने किस लिए न हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर ही झुकते हैं। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है, बहती प्रचंडता से सबको अपना कर, सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर। फिर लहर धार बुद्बुद की नहीं निशानी, सब की रह जाती केवल एक कहानी। सब मिल हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियां पिघल जाती धातु तरल में। सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कल से लहरें हो एकाकार मिलेंगी जल से, मूर्तियां खूब आपस में टकराएंगी, तारल्य बीच फिर गलकर खो जाएंगी। आपस में हो हम खरे या कि हो खोटे, पर काल बलि के लिए सभी हैं छोटे। छोटे होकर काल से सब साथ मरेंगे, शत्रुता न जाने कहां समेट धरेंगे, लेकिन चिंता यह वृथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल का प्रभाव आने दो। दिखती किसी भी तरफ न उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं, तब धूम केतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा सी मरघट में फैलाता है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु के गिरे दृगों से चूकर, बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि माता और पुत्र का मिलन तो अवश्य होता है, परंतु कर्ण उनका साथ देने को तैयार नहीं होता है। हाँ, उसने कुंती को यह वचन जरूर दिया कि अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडवों को वह सामने पाकर भी उनका वध नहीं करेगा, और युद्ध के आखिर में या तो कर्ण या अर्जुन में से सिर्फ एक ही जीवित बचेगा। इसलिए माता, तुम पांच पुत्रों की माँ हमेशा रहोगी, छह की माँ होकर भी कभी भी छह को एक साथ नहीं पाओगी। नियति की इस क्रूरता पर दोनों रोते हुए मौन रह जाते हैं। तो अगले हफ्ते छठे सर्ग के लिए दिल थाम कर रहिए दोस्तों। देखें अब आगे इस महाभारत के महासमर में क्या होता है। धन्यवाद।